भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा डूंगरपुर जिला प्रभारी जिनेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में एक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन किया। भाजपा द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सदस्य कुंवर हर्षवर्धन सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, आजपुर विधायक समेत कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आज कितने भी जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख कांग्रेस ने नहीं किया 1947 देश आजाद होने के बाद। इसके बाद जब हिंदुस्तान में जब अटल जी की भारत सरकार में जब प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस ने इतने सालों तक नहीं किया, पर अटल जी ने जनजाति आयोग का गठन किया भारतीय जनता पार्टी। इस बात को भी तो मानना पड़ेगा। जब यहाँ से 1 से 6 पे स्केल तक नौकरियों में रिजर्वेशन था, 6 से 9 किसने किया, ऑन रिकॉर्ड है ये। 1995 जनजाति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा, 6 से 9 पे स्केल तक नौकरियां देना, ये तो रिकॉर्डेड है गजट नोटिफिकेशन में। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में 2003 से 2008 तक मैं स्वयं विधायक था। आज हमारे यहाँ 1000-2000 डॉक्टर बन के आ गए हैं और काफ़ी हद तक ट्रेनिंग चल रहे हैं। MBBS में आरक्षण 45% किसने दिया, उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, और MBBS और JET में इंजीनियर में 45% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए आज हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत सारे निकल गया। सर हमारा ये कहना है कि आपसे मीडिया बंधु से और मेरे सभी पत्रकारों से निवेदन करूँगा, हम संगठन के माध्यम से हमारा संगठन चलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, रामजी भाई साहब का फोन आया था, धर्मनारायण जोशी जी का फोन आया था कि आप सभी विधायकों को गुजरात पहुंचना है। जब ये बात हमारे तक आई, जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया उस समय मेरी बोतलें चल रही थी, मैं बीमार था, मुझे उनकी कसर हो रही थी, और वो शायद आप सबने मीडिया वालों ने उसको भी टीवी पर चलाया था, आज को विधायक की बोतलें चल के बीमार। फिर भी मैंने साहब से निवेदन किया, गुलाब जी भाई साहब को बताया, मैं साहब आज नहीं जा पाऊँगा, सुबह मैं पहुँच जाऊँगा, था आपका आदेश होगा मैं वहाँ जाऊँगा, और सुबह मैं यहाँ से रवाना हो गया। हमको किसी का कोई इशारा नहीं था, हमारे संगठन के थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश था, हमारे गुलाब जी भाई साहब के था, धर्मनारायण जी जोशी का था, उसके आधार पर हमारे जिला के जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा था, इस आधार पर हम लोग गुजरात गए थे। और वहाँ जाने के बाद में इनकी जो घमासान कांग्रेस सरकार में जो चल रहा था, सचिन जी पायलट का और गहलोत साहब जी का, ये 11-10 तारीख के दिन इनका वापस आपस में कॉम्बिनेशन बैठ गया और ये लोग एकजुट हो गए, और 11 तारीख के दिन हमारी पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग वापस हमारे गुजरात से हमारे घर आए, और 13 तारीख के दिन हमारे प्रदेश कार्यालय में बैठक थी, उस बैठक में सभी विधायक हम उपस्थित हुए।